दोस्तों, देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इनमें से कुछ को केंद्र सरकार चला रही है तो कुछ योजनाओं का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इन सभी योजनाओं का मकसद एक ही है और वो है कि गरीब वर्ग और देश के ज़रूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाना। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसके लिए सभी योग्य लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, जिसके बाद आप सूची में दिए हुए अस्पतालों के जरिए अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। ऐसे में अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार में। तो आइए जानते हैं कौन कौन लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना से वो लोग जुड़ सकते हैं जिनका अगर कच्चा मकान है, परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है, भूमिहीन व्यक्ति है, आवेदक अनुसूचित जाति या जनजाति से आता है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आदि। इस योजना के अनुसार आप सिलेक्टेड अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। आप जब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ दस्तावेज ज़रूरी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर। अगर आप इस योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या फिर अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और अगर आप घर बैठे मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां आप सीख सकते हैं कि घर बैठे आवेदन कैसे कर सकें। धन्यवाद। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।